द्वितीय भाग यानी कि कौन सा पाठ कौन सा सत्ता भगिन्य है और आपका पाठ कौन सा है नवम पाठ है यानी कि पाठ नौवा पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सप्त भगिन्य है। सबका मतलब सात, भगिन्य का मतलब बहने। सात बहने ठीक है, ये एक उपनाम है। सप्त भगिन्य जो है वो क्या है, एक उपनाम ठीक है, उपनाम है यानी कि इसको ये नाम दिया गया है ठीक है। सप्त भगिन्य यानी कि सात बहने। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि सप्त भगिनी ही यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के सात राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है यानी कि उत्तर पूर्व के कितने राज्य हैं, सात, उनको क्या उपाधि दी गई है भाई, सप्त भगिनी ठीक है, यानी कि उनको एक उपाधि दे दी के पर्टिकुलर के भाई वो सात बहने क्योंकि वो उनका एक सात बहने यानी कि वो एक समूह है, उनका एक समूह है उनका पूरा ठीक है ना। जैसे वो मैप ऐसे ऐसे एक साइड आते हैं ना, वो सारे जो राज्य आते हैं ठीक है, तो उधर ये उनका एक समूह है तो इन सभी को सप्त भगिन्य इसलिए कहा गया है, ये सारे एक साथ है ये ठीक है। अब देखिए कि इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक ठीक है, सौंदर्य सुंदरता अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण कि वो क्या है, उनकी जो सुंदरता है मतलब ऐसी विलक्षण, इनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं इनकी सुंदरता के अलग ही लक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का मतलब होता है विशेषता, को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सर्जन किया गया है यानी कि इसका निर्माण किया गया है। कौन सा चैप्टर है ये, सप्त भगिन्य भाई। इनकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषता है वो बहुत ज्यादा क्या रखती है, महत्व रखती है ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर प्रस्तुत जो पाठ है उसका सर्जन किया गया है ठीक है। यहां पर दे रखा है प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कि इसमें प्रत्ययों का भी प्रयोग किया गया है, मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कौन से प्रत्यय हैं ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं हम पाठ। देखिए सबसे पहले है अध्यापिका, अध्यापिका कक्षा में आती है, प्रवेश करती है, कहती है सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी कि सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। छात्रा, छात्रा का मतलब होता है बहुत सारे छात्र। अब जब भाई कक्षा में जब अध्यापक प्रवेश करते हैं या अध्यापिका प्रवेश करती है तो सबसे पहले क्या विश करते हो, सुप्रभात ना, गुड मॉर्निंग ठीक है। तो यानी कि अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश किया तो क्या कहा, सुप्रभात। छात्रों ने क्या उत्तर दिया, क्या कहते हैं उसके बदले में, सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी कि सुप्रभात महोदया, सुप्रभात कि मैडम जी नमस्कार, नमस्कार ठीक है। अध्यापिका बहुतू ठीक है, बहुतू ठीक है, ठीक है। अध्य आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना चाहिए कि भाई आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जब क्लास में मैं आती हूं, टीचर आते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई आज हमें क्या पढ़ना है, पहले से रेडी रहते हैं ना कि आज हमें सेवन चैप्टर पढ़ना है या आज हमें सिक्स चैप्टर पढ़ना है ठीक है। तो यहां पर अध्यापिका भवतु ठीक है, अध्य किम क्या, पठनीयम क्या पढ़ना चाहिए। अब यहां पर भाई पठनीयम है तो यहां पर पठ धन अनियर प्रत्यय है ना ये, यस या नो, क्योंकि पठ हमारी मूल धातु है और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय कौन सा है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है ठीक है। अब देखिए छात्रा, छात्रा वयम, वयम का मतलब हम सब, सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के विषय बारे में, ज्ञातुम इच्छा में है जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं ये,
छात्र, ठीक है। अब जैसे ही कक्षा में अध्यापिका ने प्रवेश किया, भाई आज क्या पढ़ेंगे, तो छात्र कह रहे कि वयम हम सब सर्वे स्वदेशस्य, हमारा जो देश है अपना देश है उनके राज्यों के विषय में हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा ठीक है, ऐसे बोला जाता है ना कि ठीक है चलो भाई यही पढ़ाते हैं फिर, ठीक है अच्छा या ठीक है। वदत है बोलो, वदत है बोलो, ठीक है। अस्माकम देश है कति राज्यानि संति, अस्माकम अस्माकम यानी कि हमारे देश है, देश में कति कितने, कति का मतलब कितने राज्यानि संति, संति का मतलब है, बहुवचन है यहां पर संति, क्योंकि पर्टिकुलर एक राज्य के बारे में नहीं पूछा गया है, बहुत सारे राज्य है ना, ठीक है। तो हमारे देश में कितने राज्य है, अध्यापिका ने क्वेश्चन किया कि भाई हमारे देश में कितने राज्य है, ठीक है। अब यहां पर सायरा एक विद्यार्थी है, छात्रा है, सायरा उसका नाम है, उसने क्या कहा देखो, क्या आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा ना अध्यापिका ने, उसने आंसर दिया चतुर्विंशति महोदय, महोदय कि मैडम जी कितने हैं, 24। चतुर्विंशति का मतलब क्या हो गया भाई, 24। सायरा कह रही है क्या मैडम जी हमारे तो भाई 24 राज्य हैं, ठीक है। अब उसमें एक बच्ची है, एक और छात्रा है, क्या नाम है उसका, सिल्वी, सिल्वी छात्रा नाम है उसका, देखिए अब वो क्या कहती है, सिल्वी नहीं 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 महाभागे मोद्या मैडम, नहीं नहीं मैडम, पंचविंशति ही, पंचविंशति का मतलब 25, 25 के, वो कह रही है जब सायरा ने कहा कि भाई 24 है, तो उनमें से एक अन्य दूसरी छात्रा क्या कहती है कि नहीं नहीं मैडम कितने हैं, 25 है, राज्यानि संति के 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अब भाई अध्यापिका तो फिर यही कहेगी ना कि ये दोनों तो रोंग है शायद, तो और कोई पूछते है ना कि इसने आंसर दिया तो और कोई है जो कोई आंसर देगा, तो अध्यापिका ने कहा कि अन्य है कोपी, और कोई भी, कोई भी, और कोई भी, अन्य का मतलब दूसरा कोई भी, ठीक है। मध्य एव बीच में ही, मध्य एव का मतलब होता है बीच में, मोदे मैडम अध्यापिका मैं भगनी कथ्यति, मैं भगनी, मैं भगनी का मतलब होता है मेरी बहन, भगनी का मतलब क्या होता है बहन, अभी ऊपर आया था ना सप्त भगिनी है वही पढ़ रहे हम, कह रही है मध्य बीच में ही मोदे मैडम मैं भगनी ही यानी कि मेरी बहन, कथ्यति कहती है, कहती है कि यद, यद का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर यत बना हुआ है, यत का मतलब होता है कि, उसने कहा कि, उसने बोला कि, ठीक है। तो यहां पर यत है, यत धन अस्माकम, यत धन अस्माकम, ठीक है। तो यहां पर तय का क्या बन जाता है, दय बन जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या है, यद अस्माकम कि मेरी बहन कहती है कि, यद अस्माकम देशे कि हमारे देश में नवविंशति राज्यानि संति, नवविंशति 29 कि हमारे देश में कितने राज्य है भाई, 29 कि हमारे देश में 29 राज्य है, ठीक है। किसने राइट कहा है, कौन कह रही है, ये सोरा कह रही है, बीच में बोलती है वो, जब दोनों ने आंसर दिया तो बीच में सोरा ने क्या कहा कि नहीं नहीं मैडम मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में तो कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, एतत अतिरिच्य है, एतत अतिरिच्य है, एतत अतिरिच्य, अतिरिच्य का मतलब होता है इनके अलावा, इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशा, सप्त यानी कि सात,
केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो सात है इनके अलावा वो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कह रही है? सोरा कह रही है कि भाई 29 तो हमारे क्या है, राज्य है, और इनके अलावा सात हमारे जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अपी, अपी का मतलब भी, संति का मतलब है कि इनके अलावा हमारे सात केंद्र शासित प्रदेश है। अध्यापिका, सम्यक जानती ते भगनी, सम्यक का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से जानती है, अच्छी तरह से जानती है, यहां पर सम्यक है, सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह से। ते भगनी, ते का मतलब तुम्हारी, भगनी यानी कि बहन, कि तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। भवतु, ठीक है। अपि जानित है यूयम यत देशु, राज्येषु सप्त राज्यानाम एक है समवायोः अस्ति, ठीक है। भी जानित, जानते हो यूयम कि तुम सब भी जानते हो, यत कि उनमें, तेसु का मतलब होता है उनमें या उनके, उनमें, राज्येषु राज्यों में, सप्त राज्यानाम सात राज्यों में एक है समवायो अस्ति, समवायो का मतलब होता है समूह, ठीक है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जान गए भाई कि उनमें, उन राज्यों में से, उन राज्य कितने राज्य हैं, कितने, सात राज्यों में से एक समवाय है, समया यानी कि उनका समूह है, उन सात राज्यों का पर्टिकुलर एक क्या है भाई, समूह है, ठीक है। यह सप्त भगिने इति नामना प्रथितो अस्ति ही, यह का मतलब जो, जो सप्त भगिने है, सात बहनों के नाम से प्रथितो अस्ति ही, यानी कि क्या है भाई, वो प्रसिद्ध है, ठीक है, कि उन सात राज्यों में एक, एक उनका समूह है जो सप्त बहनों यानी कि सात बहनों के नाम से क्या है, वो प्रसिद्ध है। अब देखिए, सर्वे, सर्वे का मतलब, सर्वे का मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है। अब एक एक से पूछ रहे थे कि भाई राज्यों के बारे में कौन जानते हैं, सर्वे, सर्वे का मतलब सभी, सभी। साश्चर्यम, साश्चर्यम का मतलब होता है आश्चर्य के साथ, होते रहे एकदम, मतलब हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्य के साथ। परस्परम, आपस में, परस्परम का मतलब होता है आपस में। पश्यन्ते हैं, देखते हैं, देखते हैं कि आश्चर्य के साथ आपस में एक दूसरे को देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई, वो कि जो सात जो बहने हैं, जो उनका समूह है, वो क्या है, वो प्रसिद्ध है। अब सबके मन में जानने की जिज्ञासा होगी ना कि भाई उनका समवाय कैसे है, ठीक है। तो यानी कि साश्चर्य, सा का मतलब होता है सात, आश्चर्य के साथ। परस्परम, आपस में, पश्यन्ति ही, पश्यन्ते है, देखते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिने, कहते कि सात बहने, क्वेश्चन मार्क है, सात बहने, कोई भी हम जैसे पूछते हैं क्या, ऐसे आश्चर्य होकर पूछते हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं, वो क्वेश्चन कि सप्त भगिने सात बहने, सप्त भगिने सात बहने, कह रहे हैं सभी कि सात बहने, मतलब ऐसा कोई है कि जो सात बहने हैं, तो सात बहने। निकोलस, अब निकोलस एक छात्र है इनमें, जिसका नाम क्या है, क्या है भाई इसका नाम, निकोलस, कह रहा है इमानी राज्यानी सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यते, ठीक है भाई, सभी ने तो कह दिया, एक दूसरे को आश्चर्य से देख भी लिया, पर उनके मन में क्या हुई, जानने की जिज्ञासा हुई कि भाई इन राज्यों को सात बहने क्यों कहा जाता है। आपके मन माइंड में चल रहा होगा ना कि भाई सात बहने क्यों कहते हैं इनको, ये तो राज्य है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो ऐसी विशेषता है इनकी। ईमानी राज्यानी सप्त भगिने किमर्थम कथ्यते, ईमानी, ईमानी ये बहुवचन है यहां पर, ये राज्यानी राज्य, सप्त भगिने सात बहने, किमर्थम क्यों,
कथयन्ति कहते हैं, क्यों या किस लिए? ठीक है भाई, कह रहे हैं कि इन सात राज्यों को या इन सात जो राज्य हैं इनको सात बहने किस लिए कहा जाता है, क्यों कहते हैं भाई इनको? ठीक है, अब उनके माइंड में जिज्ञासा हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है अध्यापिका। अब किसने आंसर दिया, किसने आंसर दिया भाई? अध्यापिका। प्रयोगात्मक प्रतीकात्मक वर्तते, प्रयोगात्मक कि वो प्रयोगात्मक यानी कि वो प्रतीक है, वो सात जो एक जगह पर है उनका समवाय है, समूह है, इसलिए वो उसके प्रतीक है, एक दूसरे के प्रतीक है, वो पूरक है, वो वर्तते है कि प्रयोगात्मक है वो। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक नाम परिदृश्य नाम सामाद ईमानी उक्तो उपाधि नाम प्रतीतानी। कदाचित कभी सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब भाई उनकी कोई ना कोई तो ऐसा प्रतीकात्मक वर्ड है उनके लिए कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यो नाम, उनकी दृश्यों से मतलब उनकी समानता से, उनमें समानता है, सामाजिक भी समानता है उनमें और सांस्कृतिक भी क्या है आपस में भाई, उनमें समानता है, मतलब उनके उनके त्योहार उनके खेल सब क्या है, मिलते हैं एक दूसरे से, साम्याद समानता है, ईमानी ये उक्त उपाधि नाम प्रतीतानी, उक्त उपाधि का मतलब होता है कहा गया है या कहे गए हैं, प्रतीत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कि ये जो सब राज्य है वो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रदर्शियों के समानता से इन सबको एक उपाधि दी गई है जिसके कारण ये सब क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि इनकी उपाधि किससे दी गई है, सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि समानता है इनमें, इसलिए इनको उक्त उपाधि अर्थात इनको कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, सप्त भगिनी। ठीक है, अब देखिए समीक्षा, समीक्षा कहती है कौतूहलन मैंने खलू शांत है, कौतूहलन का मतलब होता है जिज्ञासा, मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, अभी भी शांत नहीं हुआ उनका कौतूहल, मतलब वो संतुष्ट नहीं हुए, कौतूहल का मतलब होता है जानने की जिज्ञासा, और जानने की जिज्ञासा। ठीक है, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। ठीक है, मैं मेरा नै नहीं खलू निश्चय ही शांति ही, शांति के निश्चय ही मेरा कौतूहल है वो शांत नहीं हुआ है, यानी कि मेरे मन में जो जानने की जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई है। श्रावयतु, श्रावयतु का मतलब क्या होता है, सुनो, तावत है तब या तो, यत की कानी कौन तानी वे राज्यानी है, कह रहे हैं कि मेरे मन में जो जानने की जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई है, सुनाइए तो वे सब कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य हैं भाई, यही पूछोगे ना कि मैडम हमें बता दीजिए क्योंकि हमारे तो मन में जानने की जिज्ञासा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है वो राज्य कौन से है, पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे देश में जो सप्त भगिनी एक उपाधि दी गई है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई वो सात राज्य कौन कौन से हैं। अगर मैंने इतना छोड़ दिया तो फिर क्या करोगे कि सात राज्य तो हमें पता ही नहीं है, होगा ना क्वेश्चन, अरे आया ना। ठीक है, तो अब समीक्षा कह रही है कि भाई मेरी तो जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई है। ठीक है, आप तो सुना दीजिए, बता दीजिए कि वो सात राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अध्यापिका कह रही है सुन तू, सुनो। ठीक है, क्या सुनिए, एदव्यम, एदव्यम का मतलब होता है ऐसे शुरू होने वाले अक्षर, ऐसे शुरू होने वाले अक्षर कितने भाई, दो। ठीक है, ऐसे शुरू होने वाले दो अक्षर, मैं से शुरू होने वाले कितने अक्षर, तीन। चे धन वे और वे ने नहीं है, त्रियुक्तम, त्रि का मतलब क्या होता है भाई, तीन से, त्रियुक्तम ने तथा द्व्यम और दो। सप्त राज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मतम,
यानी कि यहां पर ऐसे दो नाम वाले हैं, मैं से तीन है और उसके अलावा न और त्रियुक्तम यानी कि तीन त्रि से युक्त है, उसके अलावा दिव्यम वो क्या है दो है, ठीक है। त्रि से युक्त क्या है दो और है। तो सप्त राज्य समूह आयम भग्नि सप्तकम मतकम, सप्त राज्य समूह ये सात राज्यों का जो समूह है, आयम यानी कि यह सात राज्यों का जो समूह है सप्त भग्नि सप्तकम मतम, मतम यानी कि माना गया है, माना गया है, ठीक है। उनको सात बहनों वाला राज्य माना गया है। अब देखते हैं वो भाई यहां पर कि ऐसे कितने वाले शुरू हो रहे हैं, मैं से तीन कौन से हैं, न से कौन से हैं, त्रि से कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हमें पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से क्या है राज्य हैं। देखिए अब यहां पर इत्थम भग्नि सप्त के ईमानी राज्यानि संति, इत्थम इत्थम का मतलब इस प्रकार, इस प्रकार भग्नि सप्त के सात बहनों वाले जो राज्य है ईमानी, ये राज्य संति क्या है भाई, ये राज्य है। अब हमने बता दिया कि ऐसे कौन सा आएगा, मैं से कौन सा आएगा। अब ये यहां पर कितने राज्य हैं, यहां पर कितने हैं, सात राज्य है। कि इस प्रकार सात बहनों वाले ये राज्य है, पहला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे शुरू है ना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्योंकि ऐसे यहां पर दो आए थे हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश है, असम, सेकंड कौन सा है असम, मणिपुरम और कौन सा है, मैं से शुरू होने वाले तीन, मणिपुरम है मणिपुरम, मिजोरम है मिजोरम, मेघालय है मेघालय है, नागालैंड है न से शुरू नागालैंड है, और क्या है भाई त्रिपुरा, ठीक है। कितने राज्य हो गए, कितने हो गए सात, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। ये जो राज्य हैं क्या कहलाते हैं भाई, ये क्या कहलाते हैं, सप्त भगिनी, ठीक है। ये जो सात राज्य है वो सप्त भगिनी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये इनकी जो सामाजिक और संस्कृति है वो क्या है, उनमें समानता है, समानता है यानी कि मिली जुली है उनकी सामाजिक और संस्कृति, ठीक है। तो यानी कि इनको क्या नाम दिया गया है, एक उपनाम, उपनाम ही दिया गया ना, कि एक उपनाम है, कौन सा, सात बहने, ठीक है। तो आज हमें ये पता लग गया ना भाई कि अरुणाचल भी है, असम भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, नागालैंड भी है और त्रिपुरा भी है ना। यानी कि वो जो साइड में जो ऐसे होते हैं वो सारे एक साथ, ये क्या है वो ये सात राज्य हैं। मैप में है ना हमारे वन साइड में, यानी कि उत्तर पूर्व में, तो क्या है ये सात राज्य दर्शाए गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सप्त भगिनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यद्यपि, यद्यपि का मतलब होता है जबकि, जबकि क्षेत्र परिमाणे ईमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाणे कहते हैं ना कि भाई जैसे राजस्थान तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, बड़ा है ना राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यद्यपि जबकि क्षेत्र परिमाणे ही, क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ईमानी ये लघुनी छोटे वर्तन्ते, यानी कि ये राज्य कैसे है भाई, छोटे हैं, ठीक है। कि जबकि क्षेत्र प्रमाण की दृष्टि से ये सब राज्य छोटे हैं, तथापि फिर भी, तथापि का मतलब होता है फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तर वर्णानि प्रतीयन्ते, ठीक है भाई। वैसे तो ये छोटे हैं लेकिन गुण गौरव की दृष्टि से, गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणी, बृहत्तराणी का मतलब होता है बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। हालांकि तो ये छोटे हैं लेकिन इनका जो गुण है और इनका जो गौरव है
उनकी दृष्टि से ये राज्य क्या है भाई, बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, गुण गौरव की दृष्टि से ये राज्य कैसे दिखाई देते हैं, बड़े। सर्वे, सर्वे का मतलब सभी, कथम कथम कैसे कैसे, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ये कैसे कैसे भाई कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अध्यापिका, अब अध्यापिका यहाँ पर समझा रही है, देखिए क्या कह रही है, ईमा, ईमा का मतलब ये सब राज्य है। ईमा यहाँ पर किसके लिए आया है, सप्त भगिनी के लिए, सप्त भगिनी है, सवे प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एव दृष्टः। ईमा ये सात बहनों वाले जो राज्य है, ये सात बहनों वाले जो राज्य है, सभी अपने प्राचीन इतिहास, अपने प्राचीन इतिहास में, यानी कि अपने समय में, अपने समय में या अपने समय पर, प्राचीन इतिहास जो हमारा पुराना इतिहास है, प्राय हमेशा, स्वाधीना, स्वाधीना का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर अधीन, दूसरों पर प्राधीन नहीं। ठीक है, यानी कि क्या देखे गए हैं भाई, ये स्वतंत्र देखे गए हैं, स्वाधीना एव दृष्टः देखे गए हैं। कि कह रहे हैं अध्यापिका कि ये जो सात राज्य है प्राचीन इतिहास, उस पुराने समय में, पुराने जमाने में, पुराने इतिहास में, प्राय हमेशा से ये स्वाधीन ही दिखाई दिए हैं, यानी कि ये किसी के अधीन नहीं हुए। स्वाधीन का मतलब किसी राजा ने इन पर क्या नहीं किया भाई, अधिकार नहीं जमाया। ठीक है, कि ये हमेशा क्या रहे हैं, अपने अधीन ही रहे हैं, स्वाधीन रहे हैं ये, यानी कि दूसरों ने, किसी ने इन पर अपना स्वामित्व नहीं स्थापित किया। न केनापि, और न ही केनापि, किसी ने भी शासकेन इमा स्वायत्तः कृता, अभी मैंने बताया ना, और न ही किसी शासक के द्वारा ये सब राज्य स्वीकृत किए गए। स्वीकृत यानी कि किसी राज्य ने उन पर अधिकार जमा लिया हो या अपना बना लिया हो। ठीक है, क्या किसी शासक के द्वारा ये सब स्वीकृत नहीं किए गए। अनेन संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एत साम भगिनी नाम संस्कृति ही महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति ही विशिष्टाया का मतलब होता है विशेषता। भारत भूमि की एतेषां इन सबके भगिनी नाम बहनों के संस्कृति ही महत्वधायिनी महत्व रखने वाली। ठीक है, देखिए कि अनेक प्रकार की जो संस्कृति, जो इनका कल्चर है, इनकी संस्कृति है, विशेषताएं हैं, भारत भूमि के लिए ये सब भगिनी नाम बहनों की संस्कृति है, वो महत्व रखने वाली है। यानी कि ये जो सात राज्य हैं, इनकी जो संस्कृति है वो विशेष है, और भारत भूमि के लिए इनकी जो संस्कृति है वो सबसे ज्यादा क्या रखने वाली है भाई, महत्व रखती है। कहते हैं ना कि उस राज्य की संस्कृति है वो सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो सात जो बहने हैं, इनकी संस्कृति है, कल्चर है इनका, जो वो यहां पर हमारे भारत भूमि के लिए महत्व रखने वाली, अर्थात बहुत ज्यादा वो महत्व देती है। इनकी सामाजिक संस्कृति है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा क्या है भाई, महत्व रखने वाली है। ठीक है, अब है यहां पर तन्वी को एक छात्रा है। तन्वी कह रही है आयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। आयम का मतलब यह शब्द है, शब्द सर्वप्रथम पूछा जाता है ना कि भाई सबसे पहले यह शब्द कहां से आया, कौन सा शब्द, सप्त भगिनी। ठीक है, तो यहां पर तन्वी कह रही है अयम शब्द सर्वप्रथम है कदा, कब,
प्रयुक्त, प्रयोग हुआ, प्रयोग हुआ। तन्वी कह रही है कि मैडम ये जो शब्द है सबसे पहले कब प्रयोग हुआ, यानी कि सात जो बहने हैं इनका, भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तो जो सात जो बहने हैं सबसे पहले इनका प्रयोग कहां पर हुआ, कैसे किया गया? अध्यापिका, अध्यापिका देखिए, अध्यापिका क्या कह रही है अब, श्रुतम धूर शब्दो अयम, यह शब्द जो सबसे पहले आया है, श्रुतम धूर शब्दो अयम, कि यह शब्द जो सबसे पहले आया है विगत शताब्दस्य, विगत का मतलब होता है पिछली शताब्दी से, पिछली शताब्दी, पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे 72वें, द्विसप्ततितमे का मतलब क्या होता है 72वें वर्ष में, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन कर्मे के नापि परिवर्तित है। त्रिपुरा किसका नाम है? त्रिपुरा राज्य है ना, कौन सा भाई, जो सात बहनों में से एक राज्य है। कह रही है कि यह जो शब्द है सबसे पहले पिछली जो शताब्दी हमारी 72वें साल में, 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, उद्घाटन समझ गए क्या होता है उद्घाटन, टेल मी, ओपनिंग, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ केना भी परिवर्तित है, तो वो ये नाम सबसे पहले आया गया, कौन सा, सप्त भगिन्य, ठीक है। यानी कि क्या कहा भाई, तन्वी ने पूछा कि इसका सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ सात बहनों का, अध्यापिका ने कहा कि ये जो शब्द है सबसे पहले पिछली शताब्दी 72वें वर्ष में जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ उस समय इसका प्रयोग किया गया, अर्थात ये नाम निकलकर आया कि सात बहनों वाला कोई राज्य है, ठीक है। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितः, अस्मिन् एव काले, और इसी समय में, अस्मिन् एव इसी समय में, इसी समय में एतेषां इन सब राज्यों का भी पुनः संगठनम हुआ, यानी कि ये जो सारे जो राज्य हैं पुनः फिर से संगठनम, यानी कि इनका संगठन हुआ, ठीक है। तो आज हमने सप्त भगिन्य वाला पाठ पढ़ा है, तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे हमारा अगली वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।